तो बात कर रहे हैं यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म में हम बात करेंगे इवेंट्स। इवेंट का मतलब क्या हुआ कि यूजर फॉर्म या हो या वर्कशीट हो या फाइल हो, उनके ऊपर क्या करे तो क्या हो, इसको हम लोग इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूजर फॉर्म के अंदर में मान लीजिए अकाउंट नंबर का एक कॉलम बनाया, राइट, अकाउंट नंबर। अब इस अकाउंट नंबर में मैंने यहाँ पे बनाया अकाउंट नंबर कॉलम। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें नंबर्स एंट्री कर सके, टेक्स्ट एंट्री ना कर सके। ओके, तो जैसे वो टेक्स्ट, जैसे यहां पे और हम क्लिक किया तो यहां पे नंबर लिखते राइट हो रहा है। जैसे हम टेक्स्ट एंट्री करें तो मुझे बता दे कि दिस इज द टेक्स्ट। तो कैसे पता हो, तो डबल क्लिक करते हैं करेंगे। अब यहाँ पे इसके इवेंट्स, ये आपका किस पे वर्क कर रहा है, तो आप वर्क कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स वन पे, और ये इसके सारे इवेंट्स हैं। तो मुझे जो कोडिंग करनी है वो करनी है चेंज के ऊपर, तो हमने चेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे इफ ईच न्यू मेरिक इज न्यूमेरिक, इस लग रहा है कि स्पेलिंग प्रॉब्लम है। इज न्यूमेरिक और मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स देन एम एस जी बॉक्स, और यहां पे मैसेज हो जाएगा प्लीज एंटर वाली नंबर। और मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो, अगर इसमें और भी प्रोसेस यहां पे हम कर देते हैं। अब जिसे को प्ले की तो यहां पे नंबर डालते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, टू डालते कोई प्रॉब्लम, डिलीट किए प्लीज एंटर ओनली नंबर। अब मैं यहां पे कुछ भी नंबर टाइप करेंगे तो देखिए आ गया। अब ब्लैंक करने पे भी आ रहा है, तो ब्लैंक पे करने पे ना हो तो इसके लिए हम यहां पे फॉर्मूला एंड का लगा एंड लेन ऑफ लेन ऑफ मी डॉट टेक्स टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इसको प्ले करता हूं, अब यहां पे नंबर डालते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही टेक्स्ट डालेंगे मुझे बताएगा प्लीज एंटर नंबर, और जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे कोड। तो ये चीजें हमने जो कोड लगाया, क्या कोड लगाया हमने, कोड लगाया कंडीशन लगाया, कोई चेक करो कि टेक्स्ट बॉक्स में न्यूमेरिक तो है नहीं। इज न्यूमेरिक फॉर्मूला होता है जो कि किसी नंबर को देखता है कि नंबर या टेक्स्ट है, नंबर है तो ट्रू देता है, टेक्स्ट है तो फॉल्स देता है। तो हमने बोला क्या फॉल्स है, अगर फॉल्स है और साथ हमने ये चेक कर लिया कि भाई उसकी जो ले होता है उस पर जो भी हम लिख रहे हैं वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ब्लैंक को कंसीडर ना करें क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक भी टेक्स्ट ही होता है। तो यहां भी यूज किया, तो ये इवेंट हमने चेंज डाला। अब ऐसे इवेंट आप वर्कशीट के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर हम आप चाहते हैं कि वर्कशीट के ऊपर हम कुछ चेंज करें तो मुझे मैसेज दे या कुछ सेव करे, तो अब यहाँ वर्कशीट के अंदर भी आपका चेंज होता है। वर्कशीट के अंदर चेंज हुआ तो जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया एम एस जी बॉक्स, यहाँ ले लेते हैं थैंक्स। तो जैसे आप वर्कशीट पे आप कुछ भी लिखेंगे वहां पे थैंक्स लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक्स का मैसेज होकर। कौन से वर्कशीट पे आप है एक बार देख लीजिए, ए है हमारा, बड़ा करता हूँ, बुक वन की सीट वन, क्योंकि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होता है। तो
बुक वन के सीट वन पे कुछ भी हम डायल के एंटर मारते हैं तो मैसेज देगा। तो इवेंट जो है जरूरी नहीं है कि यूजर फॉर्म पे ही चले, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? हेलो। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ एक और इवेंट देना चाहता हूं, कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाया और मैंने यहाँ पे ईमेल का फॉर्मूला दे दिया। ईमेल, अब मैं चाहता हूं कि ईमेल हमारा जो है वो सही तरीके से हो, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ बटन पे यहाँ अब मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैं कुछ टाइप करके बाहर आऊ तो एक ईमेल सही होना चाहिए, अदरवाइज बाहर मुझे ना आने। बात समझे? जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डाल दिया सिर्फ IPT डाल दिया और आगे बढ़ गए, तो मुझे आगे ना बढ़ने दे, एक परफेक्ट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं आफ्टर अपडेट बिफोर अपडेट ओवर। यहाँ पे एक दो चीजें है, देखिए यहाँ पे होता है आफ्टर अपडेट, तो मैं आफ्टर अपडेट देता हूँ, एक एग्जिट भी है, तो दोनों के बारे में समझाता हूं। अब जैसे कि आफ्टर अपडेट में हमने क्या किया, चेक किया दो चीज, तो यहां पे डिम आर एज ए हमने यहां पे ले लिया लॉन्ग आर और सी कर देता हूं, आर कॉमा सी यहां देता हूं, आर इक्वल टू इन एस टी आर और इसके अंदर में एक से स्टार्ट करो, मी डॉट टेक्स्ट वर्क्स टू डॉट वैल्यू में सर्च करना है और क्या सर्च करना है तो ऐड दे देते, और सेम चीज को यहाँ पे हम देते हैं कॉमा और यहाँ पे सी और यहाँ पे देते हैं डॉट और यहाँ पे करते हैं ऑन एरर रिज्यूम। अब क्यों किया, क्योंकि जैसे ही इसको नहीं मिलेगा ये आपको एरर शो करेगा, ये एरर नहीं होना चाहिए इसमें, माफ कीजिए एरर हटा देता हूं, एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि एरर तो शो करता है इसमें ना एक्सेल फॉर्मूले में ना, इसमें तो आपको यहां पे कंडीशन देना है कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0 एंड R is equal to 0 और दोनों में से कोई एक और C is equal to also 0 then MSG box please enter correct email और me dot text box 2 dot get focus में फोकस के लिए कुछ होता है और दूसरा ही सेट फोकस होगा, माफ कीजिएगा मुझे सेट फोकस वाले पे प्रॉब्लम लग रहा है, हो सकता है ना हो। अब यहाँ पे इसको रन, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला मान लीजिए कि कुमार एट द रेट IPTIndia.com, सेट फोकस वाले प्रॉब्लम है, रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है सेट फोकस, मैं चाहता हूं कि उसी पे कर्सर चला जाए।
से इक्वल भी ट्रू नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक बार लिखता हूं, मान लीजिए ओम लिख दिया, हो गया। प्लीज एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी एट ओके। ठीक है सर, समझ में आया। अब दूसरा चीज ये भी है कि मैं चाह रहा हूं एक चीज और कि हम यहां पे मतलब होता है कि उस पर कर्सर एक्टिवेट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा पूजा, ठीक है ना, और हमने टैप दिया तो मुझे बता दिया कि इंटर द करेक्ट ईमेल आई, लेकिन कर्सर सेट फोकस चला गया यहाँ पे। लेकिन सेट फोकस होना चाहिए था इसी में, ईमेल आई। लेकिन पहले तो होता था, मैंने 2007 वगैरह में कुछ यूज किया है, बट यहाँ का आरस नहीं है। सेट फोकस जो है ये वर्क नहीं कर रहा है। एंटर की भी है, क्या है इस तरह की चीजें आप जो है इस पे भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें सेट फोकस वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में। यहाँ वर्क होता है, हम लोग एक्सेस में एमएस एक्सेस में इसका यूज करते हैं। तो जनरली आपने समझ में आया ना आपको सर कि किस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं इवेंट प्रोग्रामिंग का। ठीक है सर, इसे प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में बात